इसको दिखाते हैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रेशियो से ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा इफ़ द यंग्स मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटीरियल इज ट्वाइस इट्स मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी दैन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटीरियल इज यहाँ पर तीन चीज़ों की बात कर रखी है मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम ई e से दिखाते हैं मॉड्यूलर्स ऑफ रिजिडिटी जिसे हम जी से दिखाते हैं और पॉइजनस रेशो जिसे म्यू से दिखाते हैं सो so, इनके बीच एक रिलेशन होता है ई e बराबर टू जी और इनटू में वन प्लस म्यू अब यहाँ पे जो ई है उसके बारे में कह रखा है ये जी के ट्वाइज है इसलिए हम वहाँ पे टू जी रख सकते हैं टू जी कैंसल आउट हो जाएगा उसके बाद आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी जीरो सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा लिमिट ऑफ परपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ मटीरियल ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉड्यूल्स बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो इज़ गिवन बाय यहाँ पर ई e, के और म्यू की बात कर रहा है सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा ई e बराबर थ्री के और इन में वन माइनस टू म्यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो आर देखिए पॉइजन्स रेशियो जनरली जीरो और जीरो पॉइंट फाइव के बीच में होता है बहुत सारे मटेरियल का लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ केसेस में ये माइनस में भी जाता है सो तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक कंडीशन नहीं दे रखी है इसलिए हम ओवरऑल वाला केस लेके चलेंगे और ऑप्शन ए पे टिक करेंगे द इलोंगेशन ऑफ अ कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू और ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें प्रिज्मेटिक बार का जिक्र कर रखा है तो अब आप ये भी समझिए कि इनके अपने अपने फॉर्मूला क्या होते हैं देखिए कोनिकल बार में हो जाता है रो जी एल स्क्वायर बाई सिक्स ई और प्रिज्मेटिक बार के लिए हो जाता है रो जी एल स्क्वायर बाई टू ई अब आप इसमें यह भी देखिए जो सिक्स और टू है वो डिनोमिनेटर में है इसका मतलब प्रिज्मेटिक बार में एलोंगेशन कॉनिकल के कंपेयर में तीन गुना होगा या फिर कॉनिकल में प्रिज्मेटिक के कंपेयर में एक तिहाई होगा वन थर्ड होगा तो यहाँ पे कॉनिकल का पूछा है इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा वन थर्ड दैट ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार

कैन बी एलोंगेटेड और ड्रॉन इन टू वायर्स बिफोर रपच्चर अकर्स सिंपल सी बात है कोई मेटल ब्लॉक है आपके पास उससे अगर वायर बनानी है तो डेफिनेटली वहाँ पर डक्टिलिटी ही काम आएगी वायर्स बनाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ मोर इलास्टिक स्टील यहाँ पर ज़्यादा इलास्टिक है तो ऑप्शन ए सही होगा द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड बिना ब्रेक हुए डिफ़ॉम होने की एबिलिटी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी की ओपोज़िट होती है यानी कि एक्सटर्नल फ़ोर्स हटा देने के बाद अगर कोई बॉडी वापस ओरिजिनल सेप में चली जाए तो उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं और एक्सटर्नल फ़ोर्स हटाने के बाद कोई बॉडी डिफ़ॉम हो जाए तो उसे हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं सेयर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेस इज़ देखिए प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं द प्लेन ऑन विच नेट स्ट्रेस एक्ट्स ओनली इन द लाइन ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन यानी कि जिन प्लेन पे सारी की सारी स्ट्रेस परपेंडिकुलरली काम करती है उन्हें हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं तो अगर सारी स्ट्रेस परपेंडिकुलरली काम कर रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर शेयर नहीं होगा क्योंकि शेयर इंक्लाइंट फॉर्म में होता है तो so इसलिए वहाँ पर सयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर्स वेयर कहाँ अकर करता है जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है ये एग्जाम्पल है देख सकते हैं यहाँ पे बीच में शेयर फोर्स डायग्राम दिख रहा होगा सी पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है तो वहीं पे सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है एक और एग्जांपल है यहाँ पे भी सी पॉइंट पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है और वहीं पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है ऑप्शन so, डी यहाँ पर सही होगा सेयर फोर्स चेंजेस साइन रेट ऑफ चेंज ऑफ बैंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सेयर फोर्स को बोलते हैं ऑप्शन ए सही होगा द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्ज लोड अलॉन्ग द स्पैन इज कॉल्ड थ्रश डायग्राम बोलते हैं इसे और इसके इसको मेजर करने के दो मेथड होते हैं द सेक्शन मेथड एंड द ग्राफिकल मेथड इनको भी ध्यान रख सकते हैं द मैगजिम बैंडिंग मूवमेंट ड्यू टू अवविंग लोड ऑन अ फिक्स एंडर्ड बीम अकर्स फिक्स स्टैंडर्ड बीम जैसे कि एक कैंटिलीवर बीम होता है तो उसमें सपोर्ट पे ज़्यादा बैंडिंग मूवमेंट आता है द रेशनशिप बिटवीन द रे रेडियवेचर बैंडिंग मूवमेंट एंड फ्लैक्ल रिजिडिटी इज गिवन बाई देखिए बैंडिंग इक्वेशन जो होती है आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये होती है एम बाई आई सिगमा बाई बाई और ई बाई आर सो इसमें एम होता है मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस आई होता है मोमेंट ऑफ़ इनर्सिया ई होता है यंग्स मॉडुलस आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर सिग्मा होता है बैंडिंग स्ट्रेस और वाई होती है डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से सो so, टॉप में आप देख सकते हैं अगर हम सिग्मा अपॉन वाई वाली टर्म हटा दें सो so एम बराबर मिलेगा ई आई अपॉन आर सो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा एम बराबर ई आई अपॉन आर स्ट्रेस रिप्रेजेंट था स्ट्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा फोर्स बाय विच द मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोज द डिफॉर्मेशन वो फोर्स जिसके कारण बॉडी डिफॉर्मेशन का अपोज करे उसका विरोध करे बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ देखिए जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलर्स ये सभी के सभी रेशियो होते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के सो so, अब आप जानते हैं स्ट्रेन जो है यूनिटलेस होता है सो कुल मिला के इन तीनों की यूनिट वही होगी जो यूनिट स्ट्रेस की होती है सो so, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर